थंबनेल और इसको देखकर आपको ये आइडिया लग गया होगा कि आज का वीडियो किस बारे में। जी हाँ, आज का वीडियो है जो हमारा प्रोडक्ट है वो पायनियर का 1300 वाट का पास ट्यूब है जो कि इनबिल्ड एम्पलीफायर क्लास डी एम्पलीफायर के साथ में है। जी हाँ, तो इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए और इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है, टेस्टिंग कैसा है और बिल्ड क्वालिटी कैसी है, क्या आपकी गाड़ी में फिट होगा कि नहीं होगा एटसेट्रा। तो अगर आपको लगता है कि ये आपके काम लायक की चीज़ है, यानी फर्स्ट पॉइंट के बाद आपको लगता है कि ये वीडियो कंटिन्यू करना चाहिए तो कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं चैनल टेक विद शर्मा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आ रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी हाल ही में मैंने कुछ दिन पहले ये पायनियर का 1300 वाट का क्लास डी बास ट्यूब परचेज किया था अपनी स्कॉर्पियो के लिए। तो एक्सपीरियंस जो है वो ओवरऑल बहुत ही अच्छा था, वो वीडियो में मैं आपको बताता चलूँगा। तो पूरी वीडियो आराम से देखिए ताकि आपको डेफिनेटली ये कंक्लूजन हो जाएगा कि आपको ये लेना है या नहीं लेना है। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट जो है वो है ये प्रोडक्ट किसको लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए। तो किसको नहीं लेना चाहिए पहले इस पर फोकस कर देते हैं। आपकी कार बड़ी है या छोटी डजंट मैटर, इसको साइड करिए। लेकिन आप म्यूज़िक के शौकीन हैं जो कि बहुत ही हाई वॉस वाले नहीं हैं, अगर आपका दिल टूटे वाले गाने सुनते हैं बिल्कुल, या रोतलू टाइप के गाने सुनते हैं, या पुराने ज़माने के गाने सुनते हैं जैसे कि उसमें कोई बीट नहीं होता था, और कभी कभार आप गाड़ी में म्यूज़िक सुनते हैं और बाकी आपकी फैमिली में कोई ऐसा नहीं है जो हाई बीट पसंद करता हो, हाई म्यूज़िक सब है नॉर्मल सॉन्ग सुनने वाले, पुराने ज़माने के, अब दिल ही टूट गया एट्सेट्रा, मतलब इस तरह के नॉर्मल फ्लो वाले गाने जिसमें कि बीट है ही नहीं, तो आपको ये प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल स्पीकर लगा के काम चला सकते हैं। लेकिन हाई बीट वाले हैं म्यूज़िक, आप कार में रहते हैं तो लाउड सुनना पसंद करते हैं। होता क्या है, हमेशा कोई लाउड नहीं सुनता। सम टाइम क्या होता है कि आप अपने फ्रेंड सर्किल के साथ में हैं या फैमिली के साथ ग्रुप में, ऐसा कोई ग्रुप है जिसमें आप इंजॉय कर रहे हैं, बाहर पार्टी में हैं, आउटिंग पे हैं, तो कभी कभी आपको फील होता है कि काश ये थोड़ा सा इसका थम इसका बास और ज़्यादा होता, जो कि कलेजे पे वार करता है, थोड़ा ज़्यादा लगता। तो कभी कभी वो मिस हो जाता है कि नहीं, इसमें थोड़ा सा और होना चाहिए था, थोड़ी सी कमी रह गई। कभी कभी फ्रेंड लोग कहते हैं अबे और फुल करो ना, और थोड़ा बास बढ़ाओ, और बास बढ़ाओ। आप उसके पास, आपके पास ऐसा ऑप्शन नहीं होता तो आप सरेंडर हो जाते हैं कि भाई ये तो फुल हो गया। बट ये लेने के बाद आई एम श्योर आपको कहना पड़ेगा, आपके फ्रेंड को भी कहना पड़ेगा कि भाई स्लो कर दो। जी हाँ, तो म्यूज़िक के शौकीन है, हाई बीट हैं और इन्जॉय करते हैं, कभी कभी बाहर जाते हैं और पूरी पूरे थम चाहिए, बास चाहिए, गाड़ी बिल्कुल हिलना स्टार्ट कर दे ऐसा कुछ, और आपको लगे कि नहीं अभी इसको और बढ़ाया जा सकता है, मतलब इसको कोई वो नहीं है कि नहीं ये मैक्स फुल कर दिया, आप सुन लिया, इसको टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। तो मैक्सिमम इसका जो गेन होता है वो नॉर्मली मैं 5-10% रखा हूँ, और वो काफ़ी ज़्यादा इनफ है। जितने ज़्यादा गेन करेंगे उतनी ज़्यादा इसकी लाउडनेस, इसका पावर बूस्ट थम ज़्यादा होगा। दूसरा पॉइंट है, अब ये डिसाइड हो गया कि मुझे ये लेनी है, अब डिपेंड करता है कि क्या आपकी गाड़ी में फिट होगा या नहीं होगा। देखिए, गाड़ी छोटी हो या बड़ी हो, अगर आप म्यूज़िक के शौकीन हैं तो, अगर आपकी गाड़ी बहुत बड़ी नहीं है, मारुति आल्टो काइंड है, तो आप इसको ना लीजिए क्योंकि ये बहुत ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। और अगर आपकी लंबी गाड़ी है, डिज़ायर करते रखा है, या स्कॉर्पियो है, या एक्सयूवी है जिसमें अच्छा खासा स्पेस है, तो ये प्रोडक्ट आप डेफिनेटली ले सकते हैं। क्योंकि कभी कभी अगर आप छोटा 8 इंच का बूफर लेंगे, ये 12 इंच का बूफर है, 8 इंच का बूफर लेंगे तो वो कभी कभी कम पड़ सकता है। डिपेंड करता है कि आप कैसे म्यूज़िक के शौकीन हैं, आपको कितना लेवल का थम चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ये चूज़ करिए। ये प्रोडक्ट आपको इतना थम देगा कि आप उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। सो इसको लेने के बाद फिर कोई ऑप्शन नहीं है, आप फुल्ली इन्जॉय करिए। चलिए इसकी साइज़ बता देते हैं। अब इस साइज़ के अकॉर्डिंग अपनी गाड़ी में देखिए कि आपके पास बूट स्पेस में कितना, बैक में कितना स्पेस है और कितना आपके पास बचेगा। तो ये आपका जो ऊपर का इसका डायामीटर है वो अराउंड 13 इंच का है, ये जो डायामीटर है वो 13 इंच का है यहाँ से वहाँ तक, और इसकी जो पूरी लेंथ है वो अराउंड मेजर आपने पर 25 इंच के अराउंड आ रही है, बट ये ओवरऑल लेके कंपनी का 26 इंच है। तो ये आप देख सकते हैं कुछ ऐसा है, तो ये अराउंड 26 इंच का लेंथ है। देखिए ये
पन्नी मैंने लगा रखा है क्योंकि थोड़ा सा इससे सेफ रहता है, बट आप ज़रूरी नहीं है आप निकाल सकते हैं, वरना अगर आपने ठीक से इस पॉलीथीन को नहीं टेपिंग किया तो इसमें आवाज़ जब थम करेगा तो आवाज़ फटने की आवाज़ आएगी। तो ये मैंने टेपिंग अच्छे से कर दिया तो सेफ़ है। तो डायमीटर आपने देख लिया 13 इंच के अराउंड है और लेंथ इसकी अराउंड है 26 इंच के अकॉर्डिंग। अब आप अपने गाड़ी में जाइए, देखिए कितना मेजरमेंट करिए टेप से और देखिए कि आपके गाड़ी में ये फिट होगा या नहीं होगा। आगे बढ़ने से पहले इसकी छोटी सी अनबॉक्सिंग करके देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। चलिए पैकेट आ गया है और ये रहा, ये मैंने ऑफलाइन मंगाया है शॉप से, काफ़ी डिस्टेंस से मंगवाया है इसको और 1300 वाट मैक्सिमम, देख सकते हैं इसकी डिटेल्स उस पर। और इसका डायमीटर 332 mm और 663 लेंथ है इसकी, mm में है, आप इसको इंच में कन्वर्ट करिए। ये स्क्रू पेंच सारे डिटेल हैं इसके अंदर। प्राइस इसकी 2490 है, 12490 सॉरी। बॉक्स को ओपन करते हैं और काफ़ी हैवी है, वेट इसके अराउंड 10.5 kg के आसपास है। और ये देखिए पूरा, और ये कुछ स्क्रू क्लैंप लगाने के लिए इसके साथ, और ये हमारा मैनुअल और ये पीछे वारंटी कार्ड। देखिए काफ़ी बड़ा है, अराउंड 26 इंचेस का मैंने बताया पॉलिथीन था। ये पूरा फॉर्म है, बहुत ही नीट क्लीन और अच्छी क्वालिटी का फॉर्म है। पीछे डी क्लास का एम्पलीफायर और ये ओपनिंग है और पायनियर का लोगो रेड कलर का, और ये फ्रंट साइड स्टील लुक के साथ पायनियर का लोगो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बढ़ते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की तरफ। इसका जो फ्रंट है वो 12 इंचेस का बूफर लगा हुआ है, सब बूफर। आगे का फ्रंट पोर्शन देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है, स्टील का लुक बीच में स्टील का लुक दिया गया है और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी मजबूत है। इसका जो बिल्ड पोर्शन है पूरा बॉक्स बनाया गया है, बॉक्स की लेंथ 26 इंच के अराउंड है, क्योंकि बॉक्स की लेंथ जितनी ज़्यादा और डायमीटर अच्छा होगा उतनी ज़्यादा उसका बूफर काम करेगा और उतनी ज़्यादा थंब आपको बास प्रोड्यूस कर पाएगा। तो बिल्ड क्वालिटी ऐसे नहीं, बहुत हल्की मेटल का मतलब वुड का बना है, ये काफ़ी सॉलिड वुड है और सॉलिड वुड में इन्होंने फॉर्म दे रखा है, फॉर्म देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है। पायनियर का लोगो दिया हुआ है और फ्रंट में भी पायनियर का लोगो है और इसकी लेंथ जहाँ पे है वहाँ पे भी पूरी पायनियर का रेड कलर का फॉर्म पे लिखा हुआ है। लुक काफ़ी अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसका स्पीकर का जो मैग्नेट है वो भी काफ़ी बड़ा है, दैट मीन्स जितना अच्छा मैग्नेट बड़ा होता है उतनी ज़्यादा वो पावरफुल होता है। बैक साइड में इसका देखते हैं, देखिए बैक साइड में इसका कनेक्टर कनेक्ट करने के लिए है और फ्यूज़ है, इसका गेन कम ज़्यादा करने के लिए है और एक बड़ा सा कट है जिसमें कि जो थंब होता है इसका बास होता है, जो हवा पास होने के लिए दिया हुआ है। तो कई तरह के बास ट्यूब आते हैं, कुछ पैक वाले होते हैं, कुछ ओपन वाले होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो एयर वैक्यूम बनेगा, जो थंब का वैक्यूम बनता है वो निकलने के लिए है ताकि आवाज़ में भी फ़र्क आ जाता है। और ये यहाँ पे इसका कंट्रोल पैनल जिसमें कि आप कनेक्टर लगाएंगे, गेन हाई ज़्यादा करने का है और फ्यूज़ है 20 एम्पियर का ताकि इन केस कुछ होता है तो ये फ्यूज़ उड़ के आपकी सेफ्टी के लिए, साउंड की सेफ्टी के लिए। तो बिल्ड क्वालिटी में नो डाउट बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, हर तरह से लुक आप देख सकते हैं, बिल्ड क्वालिटी ज़बरदस्त है नो डाउट। जितना आप पैसा लगा रहे हैं जो ब्रांड है उसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल फुलफिल करता है। दूसरा नेक्स्ट बढ़ते हैं साउंड क्वालिटी। अब इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है, तो साउंड क्वालिटी बताने से पहले मैं आपको ये चीज़ कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं। ये प्रोडक्ट परचेज करने से पहले मैंने एक वीडियो देखी थी एक सज्जन की जिनका नाम किंग से स्टार्ट होता है, वो नॉर्मली गाड़ियों की रिव्यू करते हैं। तो दो चीज़ें उनकी मुझे मैंने देखा, कंसिडर किया, लेकिन जब मैं एक्चुअल में एक्सपीरियंस किया तो वो चीज़ें मुझे नहीं मिली। मतलब एक तरह का रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं कह सकते, वो एक तरह का कन्फ्यूजिंग आंसर था, शायद वो ना समझ पाए हों या उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। पहली पॉइंट उन्होंने ये कहा था कि जब इसकी आवाज़ सुनते हैं गाड़ी में तो बिल्कुल एक एक नोड एक एक बीट सुनाई देती है। जी नहीं, बास ट्यूब में कोई भी बीट आपको नहीं सुनाई देगी, ये केवल थंब प्रोड्यूस करता है। अगर आपके पास होम थिएटर है या बुफर है, आप दो तीन इसमें जो स्पीकर लगे होते हैं, तो अगर आप सारे स्पीकर को निकाल दीजिए केवल बुफर बजाएंगे तो कैसी आवाज़ आएगी, केवल बूम 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 आवाज़ आएगी, केवल इसमें बीट अप एंड डाउन होगा और उसमें कुछ नहीं सुनाई देगा। एक एग्जांपल आप सुन लीजिए कुछ ऐसा, तो ये अगर मैं विदाउट स्पीकर बजाता हूँ केवल बास ट्यूब बजाता हूँ तो इसकी आवाज़ कुछ ऐसी होगी,
जो कि बिल्कुल नहीं समझ में आएगी आपके। तो कहने का मतलब ये केवल थंब प्रोड्यूस करता है, केवल बीट, इसके बास निकलते हैं और इसमें कुछ नहीं है। तो उनकी एक बात थी कि आप एक एक नोट बीट सुन सकते हैं, वो नहीं होगा। डिपेंड करता है कि आपने कार में कितने स्पीकर्स लगाए हैं। आपके जितने अच्छे क्वालिटी के स्पीकर्स लगे होंगे, टू वे थ्री वे जैसा भी आपने लगाया हो, ट्यूटर लगा है नहीं लगा है, सबवूफर लगा है, कैसा लगा है, आपने कितने भी स्पीकर लगा रखे हैं उस पर डिपेंड करता है। नॉर्मली मेरे स्कॉर्पियो में पहले आगे 4 इंच के JBL के छोटे छोटे स्पीकर लगे थे और प्लस मैंने ये लगाया था, तो आवाज़ क्या हो रहा था, मिसमैच हो रहा था। मतलब इसके साथ वो फिक्स फ्रिक्वेंसी नहीं मैच हो रही, क्योंकि ये जो बास ट्यूब होते हैं ये लो फ्रिक्वेंसी के होते हैं, और जो बास जो आपके नॉर्मल स्पीकर 6 इंच के लगते हैं, 8 इंच के लगते हैं, वो थोड़ी हाई फ्रिक्वेंसी करते हैं, जो ट्यूटर होते हैं और ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस करते हैं, तो मैच नहीं हो रहा था, आवाज़ सिंक अच्छे से मज़ा नहीं आ रहा था। फिर मैंने क्या किया, मैंने 2 हार्मन के स्पीकर पीछे डाले 6.5 इंच के, और 2 6 इंच के ब्लू पंक्ट के स्पीकर आगे के डोर में डाले। उसके बाद जो मैंने बजाया है तो कसम से फिर इसका कोई तोड़ नहीं है उन सब के साथ, क्योंकि वो 2 वे स्पीकर था, दैट मीन्स उसमें सब वूफर और प्लस ट्यूटर दोनों मिक्स होता है, तो वो आवाज़ के साथ जब ये आवाज़ बजा है बूफर, तो वो इतना अच्छा मैच किया उसने कि वो फिर कोई भी बैठेगा तो कहेगा वाह कितना अच्छा बीट। मतलब जो डीजे हाई क्वालिटी के आप डीजे थंब वाले गाने सुनते हैं उसके साथ आपको एक एक छोटी नोट भी सुनाई दे, पायल की आवाज़, छंकार की आवाज़, ट्रैबल जिसको बोलते हैं, और हाई बीट ये हो, तो वो कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है। आई मीन बहुत अच्छा था वो। तो कितना थंब चाहिए, कितनी ज़्यादा पावरफुल आपका बास चाहिए, वो गेन पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं सुनते तो गेन को कम ज़्यादा करके आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि कितना आपका कान सुनता है डेली और कितने पे आपको बीट अच्छा लगता है। दूसरा उन्होंने कहा था कि 15-16 वैल्यूम से ज़्यादा नहीं सुन सकते। अगेन ऐसा कुछ नहीं है, 15-16 वैल्यूम या कितना वैल्यूम आप करते हैं वो डिपेंड करता है कि कितने अच्छी क्वालिटी के आपने स्पीकर्स और लगा रखे हैं, और आपका जो ऑडियो सिस्टम है वो कितना वाट प्रोड्यूस करता है उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि ये इसका कोई मतलब नहीं है, ये जो सब बास ट्यूब है ये डायरेक्ट बैटरी से पावर लेता है, और इसको कोई इनपुट चाहिए। इनपुट आप मोबाइल से दे सकते हैं या फिर आपका कार से वाले ऑडियो से दे सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहने मतलब जो पावर जनरेट होता है, जो इसकी ऑडियो क्वालिटी निकलती है, वो आपके जो ऑडियो है उससे ज़्यादा मतलब नहीं रखता है, क्योंकि वो तो जिंदा इनपुट उसको वैल्यूम बनता है, उतने ज़्यादा ये अपनी चीज़ें इंक्रीज करता जाता है। आपके कार के अंदर जितने और स्पीकर लगे हैं मैटर करता है कि वो कितने अच्छे क्वालिटी के हैं, वो कितने अच्छे साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आप 30%, 40%, 60% या 100% वैल्यूम टॉलरेट कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, नहीं सुन पा रहे हैं। तो 2 चीज़ें थी मैंने कहा वो क्लियर कर दो। बाकी इसमें साउंड क्वालिटी आप देख सकते हैं, कोई भी गाना बजाइए बीट बहुत ही ज़बरदस्त उभर के आते हैं, और डिपेंड करता है कि आपने इक्वलाइजर में कैसा सेटिंग कर रखा है। जितनी ज़्यादा अच्छी रॉक और जितना पॉप और जितनी बास डांस वाले पॉप आप सेटिंग करके रखें इक्वलाइजर में, उतनी ज़्यादा इसकी क्लियरिटी उभर के आएगी, इतनी ज़्यादा थंब उभर के आएगा। तो इसके साथ में गाने के साथ में वो इक्वलाइजर का मैच कराना भूलिए, क्योंकि जितनी अच्छा मैच होगा उतनी अच्छी साउंड आपको निकल के आएगी। इंस्टॉलेशन अगर आप बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप छोटे से मैकेनिक कहीं पे चले जाइए और 100 रुपीज़ लेगा और वो सारा इंस्टॉल कर देगा। लेकिन अगर आप खुद टेक्निकल हैं तो आप खुद से कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन के लिए आपका एम्पलीफायर किट, एक वायर का किट आता है 400-500 का, वो भी किसी भी कार शोरूम से या कार जो श्रृंगार होते हैं वहाँ से, कार एक्सेसरी शॉप से आप परचेज कर सकते हैं। उस किट में होता क्या है, उसमें प्लस एंड माइनस यानी पॉजिटिव निगेटिव वायर होते हैं, जो कि हाई क्वालिटी के अच्छे क्वालिटी के होते हैं, वो ज़रूरी, क्योंकि ये ज़्यादा पावर लेता है और बैटरी से डायरेक्ट लेता है, इसलिए जो वायर है वो पतला नहीं होना चाहिए, वो अच्छे खासे MM का होना चाहिए। तो वो आपका उस किट के एम्पलीफायर किट में सब रहता है। तो साउंड वाला वायर आएगा, 2 वायर आ जाएंगे, एक वायर आएगा आपका ऑडियो से जो कि ब्लू कलर का होता है, उसको रिमोट बोलते हैं। उसका काम होता है कि जो आप वो कनेक्ट करेंगे तो जब आपने इग्निशन ऑफ कर दिया तो जैसे ही ऑडियो आपका ऑफ होता है ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, क्योंकि ये तो बैटरी से कनेक्ट है ना, जिसको ऑन ऑफ कैसे करेंगे। तो ऑडियो अगर आपका ऑन होगा तो वो जो ब्लू कलर की वायर है वो सिग्नल देगा, ये ऑटोमेटिकली पावर ऑन हो जाएगा। अगर आपका ऑडियो ऑफ है तो वो सिग्नल देगा और ये ऑफ हो जाएगा। तो दैट मीन्स आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं कि मेरा सिस्टम ऑन तो नहीं रह गया, ये पावर बैटरी डायरेक्ट मतलब पावर बैटरी से तो कंज्यूम नहीं कर रहा है, नहीं। ऑडियो ऑन है तो ये भी ऑन है बूफर, अगर ऑडियो ऑफ है तो ये भी ऑफ है। तो वायर पे आपका प्लस माइनस हो गया, और 2 वायर हो गए आपके साउंड के, और 1 वायर हो गया आपका ब्लू रिमोट जो कि ऑन ऑफ करता है। और इसका सबसे अच्छा है ये प्लग एंड प्ले है, मतलब आपको ज़रूरत नहीं है
जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं, गाड़ी में ज़्यादा स्पेस ले लिया है, लगेज रखना है, तो आप इसको अनप्लग करिए पीछे से और उठा के रख दीजिए घर के बाहर, या क्लीनिंग कर रहे हैं तो भी निकाल लीजिए, ईजिली प्लग करिए और अनप्लग करिए। तो ये बहुत अच्छा है, मतलब ऐसा जो नॉर्मल साउंड लगाते हैं लोग, एम्पलीफायर लगाते हैं अलग से, तो अलग से एम्पलीफायर लगाने में क्या होता है कि वो कभी भी बहुत ज़्यादा हीट होते हैं, बर्न का इशू आता है, बहुत ज़्यादा वायरिंग होती है। तो इसमें जो एम्पलीफायर क्लास डी का है, क्लास डी एम्पलीफायर जो है, उसके बारे में ये खासियत है कि वो पावर बहुत कम कंज्यूम करता है, उसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, और ओवरऑल ये कई सारे ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास होते हैं, डी क्लास, उनमें ये अच्छा माना जाता है कि डी क्लास का एम्पलीफायर बहुत अच्छा होता है, हीट सिंक वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है बहुत ज़्यादा बड़ा लगाने की। तो ऑलरेडी इसके अंदर इनबिल्ट है और आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, केवल कनेक्ट किया और ये पावर भी ले लिया इसने, इनबिल्ट एम्पलीफायर है तो आपको वरी करने की, एक्स्ट्रा एम्पलीफायर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिना मतलब वायरिंग करने की ज़रूरत नहीं। तो ये बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने इसको परचेज़ किया था कि अननेसेसरी एम्पलीफायर का झंझट ख़त्म हो जाए। मैंने अपनी स्कॉर्पियो में रखा, एक सीट पूरी पूरी ये ले लेता है, और बस ये रहता है कि हाँ कहीं जाना हो, कुछ करना हो, तो इसको मैं अनप्लग करके वापस रख सकता हूँ। सो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था मुझे इस परचेज़ करने का। तो इसकी जो बैटरी का पावर आएगा, वो प्लस वाला एक वायर आप लेंगे, और माइनस के लिए आप इसको कहीं भी बॉडी के अंदर, इसके जहाँ पे ये रखते हैं सिस्टम, उससे पास से इसको ग्राउंड करके किसी भी नट बोल्ट में कस दीजिए। बैटरी से निगेटिव लाने की ज़रूरत नहीं, उतना वायर लगाने की ज़रूरत नहीं, आप कहीं भी नज़दीक जो भी पोर्शन हो बॉडी इसका, वहाँ पे आप इसका नेगेटिव पोर्शन टाइट कर दीजिए, क्योंकि बॉडी में नेगेटिव होती है, प्लस वहाँ से ले लीजिए, तो ये काम हो गया। तो बाकी इंस्टॉलेशन में कुछ नहीं है, गेन अपने हिसाब से एडजस्ट करिएगा और बाकी इन्जॉय करिए। अच्छा, साउंड में ये भी बता दूँ कि जो कभी कभी क्या होता है, हर कई तरह के लोग होते हैं, कुछ स्लो गाने सुनते हैं, कुछ हाई बीट वाले सुनते हैं, तो आपको लगता है कि भाई हर वक्त ये हाई बीट बनेगा तो कैसे सुन पाऊँगा, कभी टॉलरेट, इसकी ज़रूरत नहीं है। जिस तरह के गाने हो उस तरह का इक्वलाइजर अपने ऑडियो में सेट कर दीजिए। बहुत ही ज़्यादा हाई बीट वाले नहीं सुनने वाले हैं तो फ्रिक्वेंसी आप उसकी मतलब इक्वलाइजर में चेंज कर दीजिए, कुछ नॉर्मल लगा दीजिए या क्लासिक लगा दीजिए, तो ये ऑटोमेटिकली इसकी बीट अपने आप कम हो जाएगी, और इसको ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपको लगे कि नहीं बंद करना, कब बंद करेंगे, कब ऑन करेंगे, तो ये झंझट नहीं है। अब इक्वलाइजर से ही हाई बीट चाहिए तो हाई बीट वाली इक्वलाइजर सेटिंग कर दीजिए, नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल सेटिंग कर दीजिए, तो अननेसेसरी इसको बंद करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप काम करता रहेगा, आपको साउंड वैसा ही मिलेगा जैसे कि आपको ज़रूरत है। चलिए साउंड टेस्टिंग कर लेते हैं। साउंड टेस्टिंग में मैंने बताया ना कि जितने अच्छा स्पीकर हो उतनी ज़्यादा अच्छी आवाज़ निकल के आएगी। बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम करके हमेशा मत सुना करिए, क्योंकि अगर पूरी तरह से क्या होता है, कार बंद होता है तो ये प्रेशर डालता है गाड़ियों के अंदर से, है ना। तो बहुत ज़्यादा अगर लॉन्ग टर्म पर सुनेंगे तो ये कहा जाता है कि थोड़ी बहुत गाड़ियों में ढीलापन हो सकता है उसकी, दरवाजे या शीशे या कहीं भी खड़खड़ाहट की आवाज़ हो सकती है। तो बेटर ये है कि अगर लॉन्ग टर्म में सुनते हैं, हाई बीट सुनते हैं, बास बहुत ज़्यादा वॉल्यूम करके सुन रहे हैं, तो खिड़की के शीशे जो हैं वो थोड़े थोड़े डाउन कर दिए, मतलब एयर पास होता रहे, वो ऐसा होना चाहिए ना, क्योंकि वो बिल्कुल थंप बनाता है, वैक्यूम बनाता है अंदर से, वो बीट करता है, तो वो निकलना होना चाहिए कहीं, उसको एयर पास होना चाहिए, अदरवाइज़ वो आपके सारे सराउंडिंग सिस्टम पे जोर डालेगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, बट एक एडवाइस है, मतलब ऐसा करके आप सेफ साइड लेके चल सकते हैं। तो देखिए साउंड में मैंने यहाँ पे कागज़ रखा है और बॉन्ड करता हूँ इसके जो वॉइस में तेज, तो देखिए इसका, क्योंकि ऐसा आपको वॉइस आपके हेडफोन से सुनने में उतना मज़ा नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा, ये देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा थोड़ा थोड़ा ये इसका एयर जो पास हो रहा है उसकी वजह से ये पर्टिकुलर ये कागज़ ये जो थिंग्स है वो कैसे मूव हो रही है। थम बहुत ज़्यादा है, आपको बिल्कुल कार के अंदर आपको यहाँ पे फील होगा कि यहाँ पे कोई आपको पीट रहा है ना, चारों ओर से पूरा एयर आपको लगेगा। थम बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई डाउट नहीं, साउंड क्वालिटी में कोई इसका कोई तोड़ ही नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त है, एक बार इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है और काम ये बेहतरीन ढंग से करता है। चलिए बात करते हैं इसके प्राइस एंड कंक्लूजन, मतलब कितना प्राइस होगा, डिपेंड करता है ऑफ मार्केट पे, मतलब ऑनलाइन नहीं लेते हैं तो ये अराउंड 8000 भी हो सकता है, 9000, मुझे 9500 समथिंग बड़ा, अराउंड 10000 मान सकते हैं। ऑनलाइन ये 10000 का कभी मिल रहा है, कहीं 9000 का, कहीं 11000 का, कहीं 12000 का,
डिपेंड करता है, ज़्यादातर तो ये आउट ऑफ स्टॉक ही रहता है, तो जहाँ भी अगर आपके नियर बाई मार्केट में अगर आपको सस्ता मिल जाता है या ऑनलाइन पर मिल जाता है तो परचेज कर लीजिए। लेकिन पॉइनियर से मैंने जो कस्टमर केयर, मैंने जो वहाँ के लोगों से फीडबैक लिया है वो ये है कि अगर आप कंपनी से लेते हैं, मतलब आप दुकानों से लेते हैं, तो इसमें वारंटी उनकी मिलती है, ऑनलाइन वाले पे वो वारंटी नहीं देते। आई डोंट नो क्यों नहीं दे रहे हैं, वो आपको जिस भी आप ऑनलाइन साइट से खरीदे हैं वहीं भी आपको क्लेम करना होगा। लेकिन अगर आप इससे परचेज करते हैं मार्केट से, आपको वारंटी कार्ड मिलता है, वो बिल मिलता है, तो आप सर्विस सेंटर पे जाके इसको क्लेम कर सकते हैं। वन ईयर की वारंटी है ऑफकोर्स, तो प्राइस में थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन ये एक बार इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये इसका म्यूज़िक का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा है। नॉर्मली आप इतना अगर परसेंटेज मान के चलें तो आपको इतने से इतने वैल्यू में सुन पाएंगे, इतने ही इसका बास को, गेन को यूज़ कर पाएंगे, यहाँ तक नौबत ही नहीं आएगी, यहाँ तक तो बहुत ज़्यादा हो गए। ठीक है, तो ये 20% 30% में ही आप रोटेट करेंगे, घूमेंगे ऊपर नीचे, तो कहने का मतलब 60% अराउंड इसका जो वाट है, इसका टोटल जो थंब है, गेन है, वो बचा ही रह जाता, उतना यूज़ नहीं कर पाते आप। नाउ अगेन, आपकी गाड़ी की साइज, कार के स्पीकर, कितना आउटपुट, कितना अच्छे लगा रखे हैं, इस पे बिल्ड क्वालिटी कैसे, अंदर की खड़खड़ाहट तो नहीं है बहुत अच्छा, उस पर डिपेंड करता है। तो कार के स्पीकर जितने अच्छे होंगे उतनी ही ज़्यादा आपको आवाज़ सुनाई देगी अच्छी क्वालिटी। कंक्लूजन में है कि एक बार इन्वेस्ट करना चाहते हैं, म्यूज़िक लवर हैं, हाई बीट है, फ्रेंड के साथ कभी भी जाते हैं तो आपको लगता है कि थोड़ा सा और होना चाहिए, थोड़ा सा और होना चाहिए, थोड़ा सा और, ड्रिंक की बात नहीं कर रहा, थोड़ा सा और म्यूज़िक होना चाहिए, हाई बीट होना चाहिए, कहते ना थोड़ा सा और लाउड, थोड़ा सा और, तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट एक बार इन्वेस्ट करेंगे और ज़िंदगी भर इन्जॉय करिए, ज़िंदगी भर नहीं, आई मीन जब तक चलता है अच्छी खासी लॉन्ग टर्म पे यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म पे ये इन्जॉय कर सकते हैं। ओवरऑल मैंने सब कुछ कवर कर दिया इस वीडियो में, कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें कमेंट करना ना भूलिए, और बाकी कुछ सोचिए नहीं है ना अननेसेसरी, और लोकल प्रोडक्ट पे मत जाइएगा, लोकल प्रोडक्ट एक बार लेने में लगता है कि आपको है, बट नहीं, वो क्वालिटी आपको नहीं दे पाएंगे, वो थंब आपको नहीं दे पाएंगे, वो बीट, वो बास वो नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो नॉर्मली मार्केट में 3,000 का आपको मिल जाएंगे 8 इंच का, बट ये 12 इंच का है, गाड़ी आपकी साइज़ बड़ी है, म्यूज़िक लवर है, तो फिर एक बार इन्वेस्ट करिए और फिर इन्जॉय करिए। म्यूज़िक में नो डाउट, थंब में नो डाउट, बास में नो डाउट, फुली सेटिस्फाइड। तो मेरी तरफ से डन है, आप ले सकते हैं, कोई भी ये पेड रिव्यू नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लगा रखा है तो मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मैं बता रहा हूँ, अगर ये गड़बड़ होता तो मैं ज़रूर बताता। गड़बड़ इतना ही है कि ज़्यादा साइज़ लेता है, अब इतना बड़ा बना रखा है तो साइज़ तो डेफिनेटली लेगा ही लेगा, बाकी इसमें कोई निगेटिव नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई नियर बाई आपका फ्रेंड है जो कि 6,000-5,000 में कोई और प्रोडक्ट लगा रखा है, अच्छा दे रहा है, आप देख लीजिए, बट इसमें ये पॉइनियर का ब्रांड है और एक्चुअल जो इसका है वो कॉस्ट 7,000-8,000 ही आ रहा है, लेकिन क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं है तो इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन करती है, वरना आपको ये कम प्राइस में भी मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते फिर नई इन्फॉर्मेशन साथ, नई बैकग्राउंड के साथ। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए चैनल। टेक केयर, बाय, थैंक यू।